शिट तो करते साडे कॉलेज लिख देने अभी जब पे बहुत ज्यादा नाचे दूधा लिख देने पेट को लपा करके चौपर करदा रियो छोड़ करे सोलो डोलो मूव करे ते बंद डर एंटे मेरे गाली तो सते कोई लोड नहीं और तेरे दा नी मड़ा मंगवाया। इनकी मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती है, मैं तो हमेशा यहीं से अपना मेकअप ऑर्डर करती हूँ। तेरी खाला भी मेरे से पूछ रही थी क्योंकि अच्छा मेकअप का ब्रांड बताओ। हाँ, आप उनको जरूर बताना। मैंने इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जाकर के इनकी वेबसाइट देखें और ऑर्डर करें मेकअप का सामान। आप जाओगे? हाँ जाऊंगा। मत जाओ, रहने दो। मैं तो जाऊंगा, मम्मी को भेज दो, टाइम पास होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। मैं जाऊंगा, तेरी रिपोर्ट तो लेके आवांगा ना, तू की करण दे आए। मेरी ना स्कूल की टीचर बहुत प्यारी है, बहुत मॉडर्न है, बहुत ब्यूटीफुल कपड़े पहनती है, अमीर है, रिच। मेरे से पूछ रही थी तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, कितने बजे घर आते हैं, मम्मी उनको खाने में क्या देती हैं, और क्या कहती है तेरी टीचर, और मम्मी पापा का रिलेशन कैसा है। भी सारा कुछ पूछ दियो। और पापा की डेट ऑफ बर्थ और मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी, ये सब पूछती हैं बस। तेरी टीचर नो की लगे किन्ना कमांदा है, की करदा है, किथे जांदा है, की ताल्लुकात ने। मम्मी पापा के बीच में झगड़े होते हैं कि नहीं, मैंने कह दिया कि कभी कभी हो जाते हैं झगड़े। तू स्कूल पढ़ने जाना है या घर दी इन्फॉर्मेशन देने जाना है? एक दिन पापा मुझे स्कूल छोड़ने गए थे ना, उसके बाद से उन्होंने मेरे से ये सब बातें पूछना शुरू कर दी। तेरे ना यही काम ने, कभी तू फुफिया नु जाके सारियां गल्लां दसना ते कभी तू जाके टीचर नु सारियां गल्लां दसना। पापा क्या नंबर भी मांग रही थी, मैंने दे दिया। बड़ियां चलाक होंदियां ने टीचर ना, तो यही काम होंदा घर तुड़वाइए ते आपदी सेटिंग करिए। आपको पता है टीचर ने आज पापा को मिलने भी बुलाया है, कल फोन किया था कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग है मिलने आए। मुझे नहीं बताया तेरे पापा ने। हालांकि पेरेंट्स तो आप भी हो मेरी, लेकिन आपको कॉल नहीं की उन्होंने, पापा को कॉल कर दी। हाले मैं ना दसा आप लानी हूं, मेनू क्यों नहीं दसया? ऐसे ही घर में तलाकें होना शुरू होती हैं मम्मी, मैं आपको बताए दे रहा हूँ। नहीं किथे एंदे स्कूल जा रहे हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है आज। मैं भी हुंदी मां, मेनू ते कोई कॉल नहीं आई, मेनू ते नहीं दस्या उन्हां ने। तू जावे मैं जावा एक ही गल है, एडियां परफ्यूमा ला के नवे कपड़े पा के ते तुसी पेरेंट्स टीचर मीटिंग ते चले जे। तू ते इंज कह रही है, मैं पहली बार परफ्यूम लाया है। या डेट ते चले जे उस टीचर दे नाल। ई बंदियां यार तू शक करन डई है, तुसी बैह जाओ चुप करके घर, मैं आपे चली जानी हां पेरेंट्स टीचर मीटिंग। जा तू चली जा, मैं नहीं जांदा। जल्दी से उठ, लेके चल मुझे। ओके मम्मी, चलता हूँ। Assalamualaikum. Good afternoon, ma'am. Have a seat, please. Nasalam, na dua, to hello, ma'am. मेरा वही मतलब था। अच्छा, तो आप
इनकी मदर जी फरमाए आपने क्यों फोन किया था हमें? मैंने आपको कॉल इसीलिए की थी। आपने मुझे तो फोन नहीं किया था, आपने तो इसके पापा को फोन किया था। हमारे स्कूल के रिकॉर्ड में उन्हीं का ही नंबर था। मेरा नंबर लिख लिया, आइंदा के बाद मुझे फोन किया करना है आप लोगों ने। ठीक है, अपना नंबर नोट करवा दे, नेक्स्ट टाइम हम आपको ही कॉल करें। और हाँ, मैं आपको ना एक बात बता दूं, मेरा और मेरे हस्बैंड का ना बहुत अच्छा रिलेशन जा रहा है, हम लड़ते वड़ते नहीं है घर में। ओके, शक्लों ही तो मेनू वाहियात जी लगन दी है, वाल इन्हें कट्टे, इन्हें डाई कराए, इन्हें दुपट्टा हैगा नहीं। आपका बेटा स्कूल में बहुत तंग करता है। तो सारा दिन मुझे ये घर पे तंग करता है। मैंने कभी आपको कहा है फोन करके कि आए जरा मेरे बच्चे की खैर खैरियत ले? हम स्कूल में तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप घर में भी इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दें। नहीं, हम पैसे आपको किस चीज के देते हैं कि आप इसको जानवर से इंसान बनाए? तो आप उल्टा हमें शिकायत दे रही है कि घर पे इसकी तबीयत अच्छी करो, ये करो वो करो, असी कार ना पा लिए। इतनी आर्ग्यूइंग, ओ माय गॉड। और आपका बच्चा क्लास में हर लड़की को तंग करता है। टीचर की बच्ची ने मेरी एक भी तारीफ नहीं की। क्लास में चोरियां करता है, बच्चों से इंक मांगता है, एक्स्ट्रा पेपर मांगता है। कार चल है तेरे, देख मैं कैंट टंगा तोड़। मम्मी प्लीज पापा को कुछ मत बताना, वो मेरा मोबाइल छीन लेंगे। मम्मी प्लीज। नहीं, आप लोग तो मुझे एक बात बताए ना, मैं आप लोगों से बड़ा तंग हूँ। आए दिन टीचर्स डे, प्रिंसिपल डे, टेबल डे, पेंसिल डे, बुक्स डे, रबर डे, ये क्या चल रहा है स्कूल? सॉरी मैम, हमारे स्कूल में सिर्फ एक साल में एक ही फंक्शन होता है। हर हफ्ते वो मेरे से पैसे लेके जाता जा रहा है, 2500 दे दो, 2000 दे दो, आज फलाना डे, आज ये डे, आज टीचर ने कहा ये लेके आना है, वो लेके आना है। तुझे तो खर्चा शुरू कराया है मेरा। हमने कभी भी बच्चों से डायरेक्ट पैसे नहीं मांगे, हम हमेशा पेरेंट्स को कॉल करते हैं और उनसे हम डायरेक्ट डील करते हैं। तू कार चल ले अंदर हिसाब से, मैं तेरे को बात चो जाके करनी है। वखरा सानू पागल बनाया है। जैसी माँ वैसा बेटा। उफ। नहीं, दूसरा आप लोगों ने क्या तमाशा पकड़ा हुआ है? गर्मियाँ शुरू होने से पहले एसी का 2500 रुपया जमा करा दे। ओके मैम, अगर आप ये सब नहीं कर सकती तो अपने बच्चों को किसी गवर्नमेंट स्कूल में डाल दे। नहीं, मैं क्यों डालूं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में? तू जाके गवर्नमेंट स्कूल से जॉब कर ले। मैंने कोई नहीं पढ़ना गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ अलग अलग होते हैं। जब से ये स्कूल में आ रहा है सिर्फ इसके पास एक ही लंच होता है, पराठा और अचार। नहीं, हम लोग ना देसी लोग हैं, ये पराठे शराठे खा के जानने बनती हैं। बहुत स्मेली हो जाता है क्लास में। वैसे भी मैंने जब इस स्कूल में एडमिशन कराया था ना, तो ये नहीं लिखा था कि रोटी अचार देना मना है। आप अपने बच्चे को लंच में कुछ डिफरेंट चीजें भी दिया करें, पास्ता, लज़ानिया, कुछ इस तरह की चीजें बनाकर उसको दिया करें। पास्ते दे दियो, निरा मैदा नूडलां दे दियो, निरा मैदा गंद खला खला बच्चों नूं ब्रायलर मोटियां मुर्गियां बना दिए हैं। अच्छा, मैंने आपको एक बात इन्फॉर्म करनी थी कि हम बच्चों का टूर लेकर जा रहे हैं। कितने लेके जा रहे जी? टर्की एंड दुबई हम बच्चों का टूर लेकर जा रहे हैं। टर्की जाऊंगा। आप भी जाएंगे साथ? जी जी, मैं भी साथ जाऊंगी। ठीक है, ले जाएं आप। ओके, दैट्स ग्रेट। आपके जैसे स्पोर्टिव पेरेंट्स हर बच्चा डिजर्व करता है। मैम, हम टर्की और दुबई जो टूर लेके जा रहे हैं उसके चार्जेस हैं 400 के। 400 रुपए में लेके जा रहे हैं? अभी लेके जाएं मेरे बच्चे को। 400 के मीन्स 4 लाख। 4 लाख रुपये दे विच तुसी टर्की ते दुबई लेके चले जे? मैम, हम बच्चों का ट्रिप गवाल मंडी नहीं लेके जा रहे, हम उनका ट्रिप जो है वो टर्की एंड दुबई लेके जा रहे हैं। मैं 4 लाख दे विच ना की कर लवा? असि पागल है गए हैं? स्कूल ना पढ़ाई तो टर्की भेज देंगे, दुबई भेज देंगे? ना 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 ना, हम अलाउ नहीं करते बच्चों को इतनी दूर भेजना। ओके मैम, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप रिसेप्शन पे जाके नेक्स्ट 3 मंथ्स की फीस जमा करवा दे और साथ में समर वर्क ले ले। नहीं, किस चीज की 3 महीने की फीस? आप लोग मुझे जरा एक बात तो बताएं। जब बच्चे ने 3 महीने स्कूल नहीं आना, ना आपकी बिजली यूज होनी, ना आपका पानी यूज होना, तो हम 3 महीने की फीस क्यों भरें? मैम, ये हर स्कूल की पॉलिसी होती है। असूलन देखा जाए तो फीस नहीं बनती, ये स्कूल वालों ने ठगबाजी शुरू की हुई है। वो पैसे मेरी अपनी जेब में तो जाते नहीं, आप प्रिंसिपल से जाके बात करें। और पेरेंट्स भी वेट कर रहे हैं। बेटा, अपनी मम्मा को लो और जाओ यहाँ से। चलो मम्मी, घर चलें। मैंने अपनी जॉब की एक्सपीरियंस में ऐसी माँ तो कभी नहीं देखी। मुझे एक गिलास पानी पिलाएं। और सुना फिर, अज स्कूल गई सै, की बनया? मैं तुहानू की दसा, उस टीचर ने मैनू किनिया कहानियां सुनाईया। किनिया? बेतहाशा। ए तुहाडे नंबर ते हुण टीचर दा फोन क्यों आण डिया है? और मैनू की पता क्यों फोन करण डई है? चुक लै। हैलो, बंद कर गई है। मेरी आवाज सुन दे नाल ही फोन बंद कर गई है। मैं भी गलती नाल कर ली है। टीचर का गलती नाल तुहानू ही नंबर लगना सी। फिर आ गई, कट गई, फिर कॉल कट गई। ए मैनू सच सच दसो, तुहाडा ते टीचर दा की चलन डिया है? ओ यार, मैनू की पता, तुसी तैयार हो के मिलन जान डए जे, तुहानू कॉलां ते कॉलां करन डई है।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਬੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚਲਾਵੋ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਚਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਹੁਣੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਅੰਮੀ ਘਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਲੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬੁੜੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਲੜਾਈ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੱਖਰਾ ਰੋਣਾ ਪਿਟਣਾ ਪਾਇਆ ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੀ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਜੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਤ ਸੁਣ ਜੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਪੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਟਸਐਪ ਸੇ ਕਰ ਲੇ ਮੰਮੀ ਕੇ ਫੋਨ ਸੇ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਸੇ ਕਰ ਅਭੀ ਕੇ ਅਭੀ ਜਲਦੀ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਜ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕਾਂ ਖੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਮੇਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਅੰਮੀ ਘਰ ਚੱਲੀ ਆ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਗਿਰਗਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਦਲੀ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੰਜ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੰਜ ਦੀ ਫਸਾਦਨ ਮਾਂ ਉਂਜ ਦਾ ਫਸਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਆਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਆ ਐ ਵੇਖ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਲੈ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो कमेंट करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे बारे में अच्छा अच्छा कमेंट्स में बताओ लव यू